हेलो गाइस जी हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं ये सीबीएसई बोर्ड में आई हुई वो केस स्टडी है जिसे 90 परसेंट से ज्यादा बच्चों ने गलत किया था ऐसा क्या था इस केस स्टडी के अंदर में ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ लेट्स रीड द केस स्टडी गाइस इस केस स्टडी के अंदर बच्चे बहुत बहुत ज्यादा कन्फ्यूज हुए वो कन्फ्यूजिंग पॉइंट क्या था पहली बात जिसने सारे बच्चों को कंफ्यूज कर दिया और उनको मजबूर कर दिए गलत आंसर चूज करने पे दूसरी बात वो करेक्ट आंसर क्या था जो सही होना चाहिए था और क्यों होना चाहिए था लेट्स रीड द केस स्टडी सबसे पहले हम केस स्टडी को पढ़ेंगे फिर हम फाइंड आउट करेंगे वो वर्ड जिसकी वजह से नब्बे से ज्यादा बच्चों ने गलत आंसर चूज किया और ये स्वाभाविक है ये ह्यूमन टेंडेंसी है जब हमें कोई चीज बड़ी आसानी से मिलने लगती है तो हम उसको सही मान लेते हैं

एज पर the ऑफ द कंपनी द लीडर यूज टू ट्रेवल बाई एयर वेयर एज इज टीम ट्रेवल बाय द रोड और ट्रेन और जैसा कि नॉर्मल कंपनी की पॉलिसी होती है कि जो लीडर होता है उसको अलाउड होता है कि वो बाय एयर ट्रेवल कर सकता है और बाकी टीम को जो है रोड से या ट्रेन से ट्रेवल करना चाहिए थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाता है नॉर्मली कंपनी की पॉलिसीज होती हैं। इट वॉज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो एट टाइम फोर्ड फीमेल टीम मेंस टू ट्रेवल अलोन टाइम कंज्यूमिंग भी होता है कि जब कोई रोड से, से ट्रेवल करेगा तो टाइम लगेगा उसके अंदर ऐसा भी होता था एस ए रिजल्ट इन ए मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इसलिए जितने भी सबॉर्डिनेट थे वो एक्ट नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से एक्ट होना चाहिए था सीईओ केम टू नो अबाउट इट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पता चला कॉल द टीम लीडर उसने टीम लीडर को बुलाया डिस्कस द मैटर विद उसके साथ मैटर को डिस्कस किया एंडल पॉलिसी ऑफ द कंपनी और सीईओ ने डिसाइड किया चेंज कि करेंगे इट वॉज डिस इंक्लूडिंग लीडर वुगेदर इन फ्यूचर एंड वु यूजफुल टाइम इन डिस्कशन विदोर्डिनेट्स अबाउट प्रेजेंटेशन टू बी गिवन टू द्लाइंट मतलब ये डिसाइड किया गया कि आप सब लोग एक साथ जाएंगे चाहे वो लीडर है चाहे वो मेंबर्स हैं और वो इस टाइम को जो ट्रैवल एक साथ करेंगे उस टाइम को यूटिलाइज करेंगे कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे देनी है और डिस्कशन कैसे करना है क्लाइंट के साथ दिस मेड ए पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड एवरी मेंबर ऑफ द टीम स्टार्टेड एक्टिंग इन ए मैनर एज बाय डिस और इस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा और सारे मेंबर्स जो टीम के थे उन्होंने अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दिया एज ए टीम लीडर स्टेट द of ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यूज बाय CEO. इस क्वेश्चन में क्या था आपको फीचर बतानी है एक एलिमेंट की जो कि एक फंक्शन का मैनेजमेंट के फंक्शन का है जो सीईओ ने यूज किया अब मैं आपको बताता हूं इस केस स्टडी में गलती कहां पर हुई देखिए क्वेश्चन क्या था स्टेट द फीचर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यूज बाय सीईओ

स्टूडेंट जब इस केस स्टडी को पढ़ रहे थे तो देखिए जरा यहां पर वर्ड क्या आया पहली लाइन आया टीम लीडर तीसरे लाइन में क्या वर्ड आया लीडर ही कॉल्ड टीम लीडर इंक्लूडिंग लीडर लीडर डिजायर्ड बाय द टीम जैसे ही बच्चों ने इसको देखा लीडर 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 सोचो ह्यूमन टेंडेंसी क्या दिमाग में आया कि इसका आंसर क्या होगा लीडरशिप मेरी बात समझ रहे हैं आप देखो कई बार क्या होता है ये वर्ड प्ले होता है आपके साथ वर्ड प्ले खेला गया स्टूडेंट्स के साथ और वो लीडर लीडर वर्ड को जानबूझ के यूज किया गया और मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर क्या दिया लीडरशिप और वो क्या हो गया गलत अब आप बोलेंगे सर क्यों गलत हुआ जब सारी जगह लीडर वर्ड यूज कर रखा है तो आंसर लीडरशिप ही होना चाहिए अब मैं आपको बताता हूं कि वो आंसर गलत क्यों है देखिए सरा दोबारा से इस केस स्टडी को मेरे से ध्यान से देखिए सरा क्वेश्चन है स्टेट फीचर ऑफ एलिमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यूज बाय दी सीईओ ऑफ कोर्स लीडर वर्ड को बहुत बार यूज किया गया है लेकिन यहां पर जो फीचर्स हाईलाइट हो, हो रही है जो पूरा प्रोसेस यहां पर रिव्यू किया किया जा रहा किया जा रहा रहा है है सीईओ के द्वारा वो मोटिवेशन की वजह से पहला पैराग्राफ बिल्कुल क्लियरली बताता है कि टीम लीडर जो है वो बाय एयर ट्रेवल करता था और बाकी जो भी उसके स्टाफ के मेंबर्स थे टीम मेंबर्स वो बाय रोड या बाय ट्रेन ट्रेवल करते थे जिसे वो डीमोटिवेट होते थे कि बताओ यार हमारा लीडर तो बाय एयर जा रहा है और हम लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं फिर डिस्कशन का गैप आता था उनके बीच में क्योंकि टाइम वो साथ में नहीं बिताते थे टीम लीडर उसके टीम के मेंबर्स अब जरा सेकेंड पैराग्राफ में यहां पर देखो एज ए रिजल्ट दबॉर्डिनेट वर नॉट एक्टिंग इन ए डिजायर्ड मैनर एंड इज कॉल्ड मोटिवेशन मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप लोगों को मोटिवेट करते हो और अपने हिसाब से काम करवाते हो जो यहां पर नहीं हो रहा था अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स यानी मोटिवेशन होता है वो गोल डायरेक्ट करता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है फीचर है तो ये क्लू था यहां पर एक क्लू यह रहा और एवरी में टीम स्टार्टेड एक्टिंग इन ए मैनर एज डिस

ये रहा इसका आंसर फीचर्स ऑफ मोटिवेशन इट इज एन इंटरनल फीलिंग अब जरा केस स्टडी को दोबारा एक बार माइंड में रिकॉल कीजिए सबकी इंटरनल फीलिंग कैसी आ रही थी टीम को लग रहा था लीडर तो भैया बढ़िया आराम से बाई एयर ट्रेवल करता है मजे करता है और हम लोग सड़कों पे धक्के खाते हैं ट्रेन से जाते हैं जगह मतलब ऑफ कोर्स टाइम गैप तो लगता है, है और थकान भी होती है तो ये इंटरनल फीलिंग है अर्ज है ड्राइव है जो एक ह्यूमन को काम करने के लिए उसके बिहेवियर पैटर्न को चेंज करती है तो पहली फीचर हो गई जो केस स्टडी से रिलेटेड है दूसरी इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एज इट स्टिमुलेट पीपल टू अकम्पलिश डिजाइड गोल्स तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वहां पर नहीं हो रहा था जो टीम थी वो गोल की तरफ नहीं बढ़ रही थी इसी वजह से तीसरा इट कैन बी पॉजिटिव पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव लाइक पनिशमेंट स्टॉपिंग इंक्रीमेंट एटसेट्रा तो मैंने आपसे डिस्कस किया इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव अगेन एक पॉइंट और मिल गया हमें केस स्टडी से राइट right? और चौथी फीचर होती है इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस

Orientation, goal, यानी goal -directed behavior, goal आता है motivation से। M से और भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और ई स्टैंड फॉर एनहांस इंटरनल फीलिंग इंटरनल फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है और आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ काम करते हो तो ये थी सीबीएसई बोर्ड की सबसे डिफिकल्ट केस स्टडी जिसने मोर देन 90 परसेंट बच्चों को कंफ्यूज किया इसको बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप ऐसे शब्द जाल में ना फंसे और आप जो वर्ड प्ले है इससे बच करके सीधा केस स्टडी पर फोकस करके की को चूज करके आप आराम से करेक्ट आंसर दे सके गाइस थैंक यू सो मच अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस टेक केयर